आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। रामपुर, फैसल खान लाला ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है, उसको देखते हुए, क्योंकि फैसल लाला ने हमेशा समाज सेवा की है, गरीब मजलूम का हमेशा साथ दिया है। उन्होंने कहा, रामपुर में सबसे ज्यादा बिजली की परेशानी है, बिजली चेक इन की जाती है, 6 घंटे कटौती की जा रही है। बिजली विभाग को चेतावनी देते हुए कहा, अगर बिजली की समस्या नहीं सुधरी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखते रहिए इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल के माध्यम से, हर छोटी बड़ी खबर दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर नासिर सूरी, मुरादाबाद मंडल, प्रभारी, धन्यवाद। 6-6 AC लगे हैं और वो डायरेक्ट कटिया डालकर बिजली चला रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि शहर में बिजली चेकिंग करने से पहले बिजली विभाग के लोग अपना आचरण सही कर लें। अपनी बिल जो सरकार उनको 50% डिस्काउंट देती है, उनको मीटर लगाना है, लेकिन किसी भी विभाग के अधिकारी के पास मीटर लगा हुआ नहीं है, डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं और आम जनता का खून चूस रहे हैं, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल निकाल कर फर्जी तरीके से लोगों को भेजे जा रहे हैं। और इस वजह से भेजे जा रहे हैं कि जब आप लाखों रुपए और हजारों रुपए का बिल भेजेंगे तो उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगाएगा और उसके बाद आप उससे बिल को सही करने के एवज में रिश्वत की डिमांड करेंगे। इसीलिए फर्जी तरीके से लाखों रुपए के गरीब गरीब लोगों के बिल भेजे जा रहे हैं ताकि उनसे रिश्वत मांगी जा सके बिल को सही करने के नाम पर। आम आदमी पार्टी इसकी न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि कड़े शब्दों में उनको चेतावनी देती है बिजली विभाग के लोगों को कि अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। ये लॉकडाउन के टाइम में आपने बहुत समाज सेवा की है और करते चले आए हैं, आपने क्या किया? देखिए, ये समाज के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि जो जिस काबिल है अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, अपने समाज के लोगों को साथ लेकर चले। ये वक्त बहुत परेशानी का था, लॉकडाउन के पीरियड में लोग हैंड टू माउथ हो गए, बड़ी मुश्किल से गुजारा किया है। ऐसे में समाज के हर व्यक्ति ने एक दूसरे का साथ देकर इस वक्त को गुजारा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि जहां कहीं पर नाइंसाफी होते हुए देखें, किसी को परेशान देखें, तो उसका परेशानी कम करने का काम करें, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, तो ही एक अच्छे भारत का निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे नेता फैसल लाला खां से मुलाकात करेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, इन्होंने क्या देखा, क्या समझा, कैसे पहुंचे? जी, मैं फैसल भाई जी, बताएं। देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वास्तव में जो सरकारों का काम है जो सरकारें नहीं करती हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अपने लोगों के लिए कर रही है। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज, बेहतरीन क्वालिटी का दिल्ली के अंदर वहाँ के लोगों को सरकार देती है। उसके विपरीत अगर आप उत्तर प्रदेश या और सूबों के अंदर देखें तो वहाँ की सरकारें अपने प्रदेश की जनता का खून चूस रही है। लॉकडाउन में तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार को मरहम रखना चाहिए अपनी जनता के ऊपर, लेकिन देखने को मिलता है कि जनपद रामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग के लोग जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। पुलिस के लोग लगातार बाइक चेकिंग के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और बड़े बड़े चालान कर रहे हैं। इस सब से पूरे प्रदेश के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी कर रखी है, बंद स्कूलों की पूरी फीस मांग रहे हैं, जबकि दिल्ली के अंदर वहाँ की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर भी लगाम लगाई है। इसके अतिरिक्त वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं। ये सारी वजहें हैं आम आदमी पार्टी में जाने की। और जब से मैं आम आदमी पार्टी के अंदर गया हूँ तब से जनपद रामपुर सहित उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग
आम आदमी पार्टी की तरफ न सिर्फ आकर्षित हो रहे हैं बल्कि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बिजली के बारे में क्या ख्याल है, रामपुर में बिजली कटौती है या फाल्ट में बंद किया जा रही है, 5-5 घंटे कटौती? देखिए, बिजली विभाग जितनी ज्यादा जुल्म और ज्यादती रामपुर के अंदर कर रहा है, मुझे लगता है कि और कहीं पैसी जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा बिजली चोरी बिजली विभाग के लोग खुद कर रहे हैं। हर विभाग का जो भी कर्मचारी है बिजली विभाग का, उसके घर पे 5-5, 6-6 AC लगे हैं और वो डायरेक्ट कटिया डालकर बिजली चला रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि शहर में बिजली चेकिंग करने से पहले बिजली विभाग के लोग अपना आचरण सही कर लें। अपनी बिल जो सरकार उनको 50% डिस्काउंट देती है, उनको मीटर लगाना है। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।